जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। दिशा किस प्रकार ज्ञात करना, किसी भी प्लॉट की, भूखंड की, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और अपन ये मान के चल रहे हैं कि कोई प्लॉट है जो 60 फीट लंबा है और 40 फीट उसकी विड्थ है, चौड़ा है। तो पिछली इकाई में, पिछले लेसन में अपन ने ये देखा कि कहीं पर भी उस पूरे प्लॉट में, भूखंड में कहीं पर भी खड़े हो गए और रोड की तरफ फेस किया और उसकी डिग्री ली, और जितनी डिग्री आई तो अपन ने 10 डिग्री का एग्जाम्पल लिया था उस केस में कि यहाँ से खड़े होके जब हमने रोड साइड फेस रखा तो जो 10 डिग्री थी वो रोड साइड की आई थी, रोड साइड की 10 डिग्री आई थी। और फिर उसी लाइन को अपन ने इस पे सेंटर पे ले आए थे, कहा था ये जो है ये 10 डिग्री है, ये अपन देख चुके हैं। अब उसी प्लॉट में यदि अपन किसी अन्य स्थान पर खड़े हों, से फॉर एग्जांपल अब अपन खड़े हुए हैं यहाँ पर इस रोड साइड से, तो देखो जब ये 0 डिग्री होता ये वाली लाइन, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती। कब? जब ये 0 डिग्री होता, उस समय ये ईस्ट डायरेक्शन होती 90 डिग्री, उस समय ये सद डायरेक्शन होती, सदन 180 डिग्री, और इधर फेस करके ये डिग्री लेते ये वेस्टर्न डायरेक्शन होती और इसकी डिग्री आती 270। तो उस केस में इसकी डिग्री 270 आती यदि फेस इधर होता। अब क्या हुआ, जब अपन ने यहाँ से डिग्री ली तो ये डिग्री थी 10 डिग्रीज, ये डिग्री थी 10। फिर अपन ने नॉर्थ भी मार कर लिया था कि इससे 10 डिग्री नॉर्थ जो है वो एंटी क्लॉक है। अब मान लो अपने को इसमें कठिनाई हो तो अपन यहाँ खड़े हुए कहीं भी और क्रॉस वायर को ऐसा लगाया कि रोड की डिग्री हमको आ रही है, हमारा मुंह किधर है, हमारा फेस किधर है, इस साइड में, इस साइड में। अब जो हमारा फेस है वो इस तरफ है, उसी प्लॉट में जो यहाँ से डिग्री ली थी तो 10 आई थी, अब हम रोड साइड पे खड़े होकर इस वॉल की डिग्री ले रहे हैं। ऐसे समझ में नहीं आया तो हमने यहाँ पॉइंट लगा देते हैं कि अब जो डिग्री अपन ले रहे हैं वो इस वॉल की ले रहे हैं, इस साइड की ले रहे हैं, रोड के इस पॉइंट की ले रहे हैं, है ना। उसका कलर भी चेंज कर देते हैं, उसको मोटा भी कर देते हैं तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। तो अब जो डिग्री अपन ले रहे हैं वो इधर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और अपना फेस इस साइड में है, इस साइड में। तो जिस केस में यहाँ से डिग्री अपनी 10 आई थी, 10 आई थी, उसी केस में जब अपन यहाँ से डिग्री लेंगे तो वो 280 आएगी, क्योंकि जो 270 था वो इधर 10 डिग्री खसक गया है, रोटेट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इसकी डिग्री आई वो कितनी आई, वो आ गई अपनी 280 इधर से इधर की। तो अपन जब ये 280 डिग्री को, इस पॉइंट को, इस रेखा को अपन यहाँ मार्क करेंगे सेंटर पॉइंट पे, तो दूसरे केस में जब अपना फेस इधर है तो इसकी डिग्री जो अपने पास है वो 280 है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि और स्पष्ट हो। जब ये डिग्री है 10, इसकी डिग्री है 10, उस समय इसकी डिग्री है, उस समय इसकी डिग्री है 280, उस समय इसकी डिग्री आएगी वो डिफरेंट होगी 190 होगी, और इसकी डिग्री जो है 110 होगी। इसी लेक्चर में इसको पूरा कर लेते हैं चारों दिशा को, कि जब इधर फेस करके डिग्री ली तो वो 280 थी, 280। इसी तरह यदि मान लो व्यक्ति खड़ा है और इस दीवार की डिग्री लेता है, इस दीवार की डिग्री, तो वो होगी 190।
और उसी सेंट्रल लाइन पर हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसकी डिग्री आएगी 190। सिमिलरली इसकी डिग्री आएगी 100, इसकी डिग्री आएगी 100। तो एक स्थिति जिसमें प्लॉट का ओरिएंटेशन जो है वो आपका 10 डिग्री है रोड साइड का, उस स्थिति में ये अपनी जो डायरेक्शन आई ये वाली, ये नॉर्थ की आ गई इस केस में, है ना। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसको हमने रेड बना दिया, ठीक है। और देखें ध्यान से, ये हमने ये वाली लाइन ली, दिस वन 280 वाली, और अब हमने इसका मान लो कलर भी बदल दिया। कौन सा कलर किया इसको? इसको ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। और इसका नाम इनसे पूछा, क्योंकि अपन जियो जेब्रा में काम कर रहे हैं, तो ये लाइन है के। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ के को, सो रोटेट के, कितना है इसकी डिग्री? 280। सो 280 डिग्री विथ रेफरेंस टू पॉइंट ई, ये सेट हो गए उसके ऊपर, ई के ऊपर जो पहला वाला पॉइंट है उस पर ये सेट हो गए। तो इसको रोटेट करेंगे 280 डिग्री से, तो ये नॉर्थ यही बताएगा। इसको रोटेट करेंगे 190 डिग्री से, तो नॉर्थ ये बताएगा। इसको रोटेट करेंगे 100 डिग्री से, तो ये नॉर्थ बताएगा। अभी बीच में फ़ोन आ गया, तो शायद बताने में थोड़ी त्रुटि हो गई होगी कि यहाँ से जो डायरेक्शन इधर की ली वो 10 डिग्री थी, तो इसके पैरेलल एक लाइन हमने बनाई 10 डिग्री, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब हमने इधर से इधर की डायरेक्शन ली तो वो अपनी 280 डिग्री आई, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से बनाई इस लाइन को और 280 डिग्री रोटेट किया, तो हमको नॉर्थ आया। जब हमने यहाँ से इधर की डिग्री ली इस तरफ की बैक साइड की, तो वो डिग्री अपनी आई 190। तो इस ये जो अपना 190 इस लाइन की डिग्री आई, ये वाली लाइन की, दिस लाइन की, ये वाली, जब अपना फेस इधर था, चाहे इस वॉल से ली, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 190 डिग्री आई, इसको 190 को रोटेट किया, तो वही अपना नॉर्थ आया। सिमिलरली यदि अपन ने इस तरफ फेस किया, दूसरी साइड अपोजिट साइड इधर फेस किया, तो अपनी डिग्री 100 आई, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर से इस लाइन के पैरेलल, तो इसकी डिग्री 100 थी, इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो अपना यही नॉर्थ आया। तो कहीं से भी डिग्री ले सकते हैं। ये अभी अपन ने रेक्टेंगुलर प्लॉट को किस प्रकार से डिग्री लेना ये समझा, अभी इसी को अपन इररेगुलर शेप में भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव।